एक इंसान दिखाऊं जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ये रही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई अभी हम पेपर देके आए हैं, देख इसकी खुशी से आपको पता चल रहा होगा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कि ये दोबारा करेगा ये वाली क्लास, ये फेल हो चुका है भाई। अब तू बता भाई, पेपर कैसा हुआ? बहुत बेकार। जो तूने मेरी बुक वॉशरूम में रखी थी उसके हिसाब से पास हुए क्या तू? नहीं भाई, मैंने रखी कहीं तेरी बुक की बता। अच्छा चलो, मजाक कर रहा हूं भाई, लड़का खुद पढ़े ऐसी कोई बात नहीं है भाई। सही बताइयो, कितनी चीटिंग करी है? जो तू पर्चियां ले गया था वो आई काम तेरे, है ना? देख लिया उसके हिसाब से पास हुआ भाई ये। और भाई आज मेरे साथ एक सीन हो गया भाई। मेरा जब पेपर चल रहा, मुझे 10:30 बजे याद आया कि मैंने वीडियो पब्लिश कर दी है, लेकिन वो प्राइवेट और वो अनलिस्टेड करके मैंने शेड्यूल नहीं की। ये देवेश ने सुबह मेरे को करने नहीं दी भाई। हाँ, दोबारा बीच में डिस्टर्ब किया ना, हाथ के नीचे आ जाएगा। तो भाई मेरे को ना भाई 10:30 बजे पेपर के बीच में याद आया, मैंने कहा मैम एक बार मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? मैंने मना कर दिया भाई, मेरे हो गया बहुत ज़्यादा दुख। मैं 10-15 मिनट तक मैंने पेन ही नहीं उठाया, मैंने कहा शट यार 11 बजे वीडियो पोस्ट करनी थी, अब क्या करूँ। तो सॉरी भाई, एक बजे अब ये वीडियो आ रही है, 1 बजे देख लेना, तुम्हारे भाई को प्यार दे देना। मतलब ये वाली नहीं, ये जो शूट कराऊँ ये नहीं, आज वाली, समझ रहे हो कौन सी वाली, वो 1 बजे आ रही है। सॉरी भाई, भाई ये वो इंसान जो पहली बार लिफ्ट में चढ़ा है और ये होगी लिफ्ट बंद। ये छोटी बच्ची भी आई थी हमारे साथ। सो गाइज, इग्नोर माई हेयर भाई, ये टेंशन की वजह से ऐसे हो गए उठे। और आप लोगों को उससे मिलवाऊं कि जो बिल्कुल ही फेल है? कैसी है मानसी? मानसी आज दिल से, सच्चे दिल से बता दे, पास है या फेल है? फेल। बता दे। सब पता है तेरे को भाई, 10 मिनट पहले रो रही थी, सच बता दे। नहीं पता नहीं, पास भी हो सकती हूँ। इसका मतलब समझ गए, पास भी हो सकती हूँ मतलब फेल है। और ये भाई बुक के अंदर से क्या छाप गया भाई, ये इसका टैलेंट भाई, बुक के पेज पढ़ रहा है भाई, कहाँ से आता है ये सब टैलेंट तेरे अंदर भाई? बस दिलो जान से मेहनत करते हैं, देख के करने का बहुत भाई। मैडम साइड में खड़ी इसकी और देख के लिख रहा है, कोई डर खौफ ही नहीं है मैडम का भाई। हाँ टैलेंट सब में नहीं होता भाई, सब में नहीं होता। मैं जैसे कि मैं पढ़ के गया, क्या ही फायदा? बिल्कुल भाई, जब अपना पेपर ही बराबर होना था तो क्या ही फायदा है पढ़ने का भाई। देखो सबकी खुशी दिख रही होगी आपको, सारे पीछे एंजॉय कर रहे हैं। एक इंसान दिखाऊं जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ये रही। अकेले अकेले सेलिब्रेट कर रही है भाई। हाँ भाई, अकेले सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि ये फेल भी तो हो चुकी है। ओ सॉरी, पास भी तो हो चुकी है अच्छे नंबरों से। मानसी, जो तू चिट बना के लेगी थी वो काम नहीं आई? मैंने चिटिंग नहीं किया। हाँ तभी तो फेल होगी, चिटिंग कर दिया तभी तो फेल होगी तू। इन सबने का क्या मतलब, मैंने भी चिटिंग की है? तुमने नहीं की, फिर बाकी सबने? बेटे लिख के आया हूँ खुद, सोच पढ़ के रात को, ठीक है? ओ भाई मेरा कैमरा नहीं हट रहा इसके ऊपर से, आगे से पढ़ेगी अगले पेपर में, पढ़ेगी ना पक्का भाई। मैं 6 दिन से कह रहा था इसको, और भाई ये मेरे से 6 दिन पहले तैयारी करने लगी थी। मानसी सीरियस बता, मैंने कब पढ़ना शुरू किया है? कल 7 बजे शाम को। कल 7 बजे शाम को? और क्लास में सबसे ज्यादा कौन लिख के आया है? और तेरे साथ, और तू कितने दिन से पढ़ रही है? फोटोकॉपी भी तो कर लेता दिमाग में। अरे और तू फिर तू क्यों नहीं कर रही है फोटोकॉपी? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि तू कितने दिन पहले पढ़ना शुरू किया तूने? 4 दिन पहले। और फिर भी तू 40 नंबर का याद करके आई, 30 नंबर का घर पे ही छोड़ के आई थी ना? और वो 40 नंबर का भाई इसके साथ खेल हो गया, ये अलग अलग 2 क्वेश्चन याद करके लेगी, लेकिन वो 1 में ही आ गए दोनों। तुझे पता था? ओ भाई ये लड़का भाई बुरा मानेगा, कह रहा भाई सारी चीज मानसी की पूछेगा, मेरी पूछ ले। बता भाई तेरे क्या पूछो भाई? पहला आंसर आया, पहला आंसर थोड़ा ऊंचा बोलना भाई। पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने फर्रा निकाला और पूरा टेप दिया। दूसरा आया, दूसरा भी पूरा टेप दिया। तीसरा आया, तीसरा भी पूरा टेप था। अगर कोई यूनिवर्सिटी से मेरा व्लॉग देख रहा है, अमन नाम है, अमन चौहान, अभी दर्द पहुंचो इसको। देख मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है भाई, चीटी चाटी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मेरी खुशी है उसका तो कोई अनुमान ही नहीं है। ये भाई मेरे पास होने की खुशी नहीं है, ये मानसी के फेल होने की वो है खुशी। ओहो आज तो तू भी गोरा गोरा दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे? अच्छा, मेरी छत्र छाया में जो आ गया भाई मैं ये कह रहा था, अब मानसी कह रही है कि जो तेरे नोट्स थे ना वो नोट्स मेरे को दे दियो, मेरे अगले साल काम आ जाएंगे, क्योंकि मुझे दोबारा पेपर देना है। मानसी चाहिए नोट्स? नहीं जी, मैं अभी पास हो जाऊँगी। अगर कोई इंसान 28 नंबर से पास हो, मतलब पास के लिए 27 नंबर चाहिए होते हैं, तो क्या ही पास होता है वो? और भाई कभी अब तुम मजाक लग रहा हो, मेरी माँ कसम मानसी का इतना घटिया पेपर हुआ कि ये फेल भी हो सकती है। और इसे पूछ लो, मानसी हो सकती है ना? सही बताइए, सीरियस बता दे, मजाक की बात नहीं है। आप बकवास नहीं करनी है, सच बताना है कि मैं फेल हूँ, कि मैं फेल हूँ भाई। ये लड़की मानसी को पता है पेपर कब है? कब है मानसी? कल भाई 6:30 बजे बता दूंगा आप लोगों की मानसी किस तरह से फेल हुई है। और ऐसे क्या देख रही है, झूठ बोला कुछ मैंने?
क्या क्या झूठ बोले? पास तो पास होएगी। अच्छा ऑप्टिमिज्म इंसान का ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आत्मविश्वास मुझे चाहिए जैसा तेरा है। और आप लोगों को हमारे क्लास के टॉपर दिखाता हूँ जो कि बहुत पढ़ते हैं, एक का नाम है अजीत, उसका उसका मुंह देखो आप एक बार, उसने भाई ऐसे कर लिया भाई। नहीं वो ये मतलब वो इंसान है, ये ज्यादा दिखावा नहीं करता कि मैं टॉपर हूँ। मेरा कौन है खुशबू, कौन है खुशबू? अच्छा अच्छा भाई जो खुशबू जो जो इसकी दीदी है ना, इसकी दीदी का नाम है खुशबू, और वो फेल होएंगी और ये टॉप करेगा आपकी बार, है ना भाई? यही सीन है ना? नहीं भाई टॉप करेगा ना भाई, इसका नाम है अजीत, इसको तो आप जानते ही होगी, इसका जानना भी कोई फायदे की बात नहीं है। ओहो ये तो वो है जाहिल दरिंदा जो कि जूते के अंदर चिट छुपा के लाया था, और इसको तो मैडम 80 बार टोक चुकी, तेरे को उठा दूंगी मैडम भी इसको उठा नहीं पाई। अंगद है तुम? अंगद है भाई, इसका पैर नहीं उठेगा किसी से भाई। मेरे को भाई मैडम ने 2 बार टोका कि इनको बता मत, लेकिन मैं अच्छा इंसान भी तो हूँ भाई, मैं बताऊंगा भाई। लेकिन मेरे साइड में अजीत और अमन चौहान ऐसे गंदे तरीके से चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई अमन ने ज़्यादा लिख लिया, अजीत थोड़ा कम लिख पाया, बताऊँ क्यों? क्योंकि भाई अजीत को मात्रा देखनी पड़ती है ना, ऊ की मात्रा छोटी लगी, ऊ की मात्रा बड़ी लगानी पड़ेगी, अजीत को लिखना नहीं आता भाई थोड़ा सा, मतलब कि पहले के बाद सीधा कॉलेज में हो गया ना, बीच की क्लास खा गए, इसी को कहते हैं भाई नेपोटिज्म, इनके बाप का स्कूल था, चढ़ा दी क्लास ऊपर नीचे। भाई सुन भाई, तूने जी में क्या ले रखा है? फिजिकल एजुकेशन है भाई। तूने छोड़ तू बता दे जो आपने लिया हुआ है भाई, तूने क्या ले रखा है? फिजिकल भाई। हाँ तेरे तो भाई आवाज से पता चल रहा है भाई, तूने क्या ले रखा है? फिजिकल ले रखा है क्या? और मानसी छोड़ दे, तूने क्या ले रखा है छोटी बच्ची? ओ ये पोल साइंस है। और तूने क्या ले रखा मानसी? फिजिकल एजुकेशन। अपना एक बार सिलेबस बताइयो, एक बार अपनी बुक का नाम बता दे। नहीं पता। प्लीज बुक का नाम बता दे। मेरे पास बुक नहीं है भाई। अपनी एक बार फिजिकल की बुक का नाम बताइयो। मैं बुक ही नहीं खरीदी। काम करे तेरा भाई, एक बार बुक का नाम। आगे आगे फिजिकल फिटनेस एंड भाई, बुक का नाम बताइयो भाई, फिजिकल फिटनेस एंड वगैरह वगैरह चैप्टर भी बताऊं। सही है भाई, सही। इन संकरे रास्तों पे से जाना अच्छी बात नहीं है बेटे, और भी रास्ता होता है यहाँ पे आने जाने का। सो गाइस घर पे चलते हैं भाई, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं सोया भाई मैं तो, और ना ये सोया बेचारा, इसकी आंख भाई मैंने रात को देखी ऐसे लाल हो रही जैसे सुल्फा गांजा है कुछ, ऐसे नशे करके पड़ा है भाई कसम से। अब जाते ही सोएंगे भाई, शाम को उठेंगे सीधा 6-7 बजे, उसके बाद पढ़ाई देखेंगे, अभी तो सोएंगे भाई, जाके नींद आ रही है। अंकल जी कैसे हो? आज बहुत दिनों के बाद अंकल के पास आया, और आज अंकल एक और नया धंधा भी शुरू कर लिया। ये क्या है अंकल जी, बर्फ गोला? अंकल मुझे लगता है अब थोड़े देर में और यहाँ पे अभिलेख लिखवा दोगे क्या? सारे काम यहीं करवा दोगे क्या? अंकल जी नींबू बताओ आप, सस्ते हो गए अभी महंगे हैं? वही चल रहा है, वही रेट है। अंकल को हमारी याद तो बहुत आएगी कॉलेज बंद होने के बाद ना, 2 महीने 2.5 महीने कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। सो गाइस बैक टू बेसिक, घर पे आ चुके हैं, और भाई अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं अभी, और भाई आने के बाद मैं सो नहीं पाया अभी तक, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था और बाहर का, तो मैं घर पे ही 4 बजे पहुँचा, उसके बाद नहाया धोया खाना खाया, फिर भाई 1 घंटे के लिए मैंने कहा फिर क्या ही सोना है, अब 7 बजे सोऊंगा मैं और 10-11 बजे उठूंगा, फिर उठ के पढ़ाई करूंगा भाई। भाई आज का मौसम भाई एक नंबर हो गया, अब शायद बारिश आने के अनुमान है, क्योंकि एकदम भाई ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश आती होती है। ब्रो यस, तुम्हारे भाई ने मौसम विभाग का कोर्स भी कर रखा है, और भाई आज का पेपर हुआ भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वैसे भाई पेपर देखते ही भाई मैंने बता दिया था कि मानसी फेल होएगी, और मतलब किस बच्चे का क्या क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि भाई सारे बच्चे इस पेपर में ना सट्टा खेल के गए थे कि मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन याद करके चले जाएंगे, उनको इतना विश्वास था उनके सट्टे पे कि यही आएगा, क्योंकि भाई हमेशा पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर होते थे ना जो प्रीवियस ईयर के वो वाले रिपीट होते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार हमारे साथ खेल खेल लिया, और मैं भाई तुम्हारा भाई सारा याद करके गया था, मुझे भाई ये पता था कि अगर कोई भी 2 आ रहे हैं 2 करके आने हैं तो हमें 3 तो याद करके जाने चाहिए ना एटलीस्ट, कि अगर 2 में से 1 ना आए तो हम दूसरा कोई भी लिख सकें, पता तो होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। और मैंने भाई मानसी को भी कहा था, और मैंने 3-4 बच्चों को कहा था कि ऐसे ऐसे कर लियो, लेकिन नहीं है, तो भाई अपने सट्टे के बलबूते पे चले गए, मैंने भाई पेपर देखते ही बता दिया, ये भाई 2 क्वेश्चन करके गए, दोनों क्वेश्चन 9-9 नंबर के थे, और वो 1 में ही आ गए कि या तो ये करो या ये करो, और वो सोच के गए थे कि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे, 9 और 9 कितने हो गए, 18 नंबर तो पूरे हो गए, हो गया ना खेल इनके साथ, लेकिन मैं तो खुश हो गया था।
भाई ऐसे कह रहे हैं, अब की बार के पेपर की तो बिल्कुल ऐसी तैयारी करके जाएंगे, इतनी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आगे ना कल भाई पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी होगी और बाल भी बहुत बड़े हो चुके भाई, एक्सट्रीम बड़े, कानों के ऊपर से आ रहे हैं देखो ये रे। कोई बात नहीं भाई, कटाऊंगा, 10 दिन सारे रह गए, 10 दिन के बाद घर ही जाना है, 14 दिन रह गए बस। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, प्लीज़ प्लीज़ कर देना, ऐसे बिना सब्सक्राइब करे हुए देख के मत जाया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और भाई अगर कोई इंस्टाग्राम पर नहीं गया अभी तक तो एक बार इंस्टाग्राम भी जाके चेक कर लो। ओके ओके बाय।